तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो फिर एक बार भाई आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो बहुत देर के बाद, पता है मेरे को वीडियो बहुत देर के बाद क्रिकेट एकेडमी के ऊपर स्पेशली आ रहा है, तो भाई उसके लिए सॉरी कि लेट वीडियो आ रहा है। लेकिन कैसा होता है, कुछ काम लेट हुए तो बहुत बढ़िया होती है क्योंकि उसमें डीप रिसर्च करना पड़ता है कौन सी अकेडमी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी अकेडमी आपके लिए बेस्ट नहीं। क्योंकि हमारे जो शिवाजी महाराज पार्क में अकेडमी थी और फिलहाल में चर्च गेट में, जैसे क्रॉस मैदान पे आपको होता है, शिफ्ट हुई है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको उसका अपडेट भी मिला होगा इंस्टाग्राम पे। जो मेरे को फॉलो नहीं करते उनको अपडेट वहाँ का नहीं मिला होगा। तो मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही पता है कि आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के बाद से क्रिकेट का सीज़न चालू हुआ है, मतलब बारिश खत्म। तो वैसे ही आपको पता है एक तारीख से, अक्टूबर एक तारीख से क्रिकेट एकेडमी चालू होने वाली थी और वैसे हो भी गई। और 15 दिन में जितने एडमिशन थे उतने फुल भी हो गए, लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए एडमिशन के लिए, तो जैसे कि आपको पता था कि हमारी एकेडमी शिवाजी महाराज पार्क भी थी, लेकिन वो अभी फिलहाल शिफ्ट होके चर्च गेट आदान मैदान में शिफ्ट हो चुकी है। तो ब्रदर कैसा था शिवाजी महाराज जो था पार्क जो था वहाँ पे फीस का, मतलब एकदम मेंटेन फीस, जैसे कि 1,000 और 1,500 1,700 ऐसे थी। लेकिन जो क्रॉस मैदान आता है वहाँ पे कैसा होता है, फीस इंक्रीज होती हो जाती है। उसका रीज़न में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एक पिच ले रहे तो उसका भी आपको रेंट ग्राउंड को बीएमसी को देना पड़ता है। तो क्रॉस मैदान एक साउथ बॉम्बे की जगह है, बहुत महंगी जगह है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाके ग्राउंड का फीस भी बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको सीधा फीस की तरफ आता हूँ। आपको देखो एकेडमी सच में बहुत बेस्ट है, मास्टर क्रिकेट एकेडमी करके है, मैं मिला उनसे जाके, बहुत बातचीत हमने की स्टूडेंट का, हमने पहले रिकॉर्ड भी दिखाया हमारा क्या है कैसा है। तो एग्री, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जो अभी देखो कितना आज डेट है संडे, आज तो संडे 26 तारीख है, 26 तारीख से आगे जितने भी एडमिशन होने वाले वो सब क्रॉस में होने वाले, क्योंकि फिलहाल तो शिवाजी महाराज क्रिकेट एकेडमी थी जो अपने ग्राउंड पे थी, वो एकेडमी तो फिलहाल शिफ्ट हो चुकी है, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो एकेडमी, अभी सीधा मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। एकेडमी जो फीस है मंथली, वो आपको 3,000 तक आपको पे करनी पड़ी, मंथली फी 3,000 तक आपको वहाँ पे करने की। आपको हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिलती, लेकिन वो हमको आपको अरेंज करवा के दे सकते हैं। आपको सच को हम अरेंज करवा के भी दे सकते हैं, मतलब हम अरेंज करवा के देते हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशन ले लेना। देखो भाई, बार बार कॉल करके मतलब नहीं मिलता। आप मेरे को कॉल करेंगे रोहित भाई ऐसा है वैसा, आपके सब डाउट क्लियर तो करूँगा। मुंबई में है एकेडमी, मुंबई क्रॉस आज़ाद मैदान पे ये एकेडमी है, मास्टर क्लास क्रिकेट एकेडमी करके। मैं शॉर्ट सी क्लिप भी डाल दूंगा कौन से कोने में। आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है भाई, मैं आपको एक QR कोड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, QR कोड स्कैन करना है आपको। एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा 500 रुपीज़, वो आपको वहाँ पे कर देना है, और उसका स्क्रीनशॉट मेरा जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उसका आपको, उस पर आपको वो स्क्रीनशॉट भेज देना है कि भाई मैंने पे कर लिया, आपका नाम, कौन से स्टेट से हो, एज कितना है। लेकिन वो मेरे से बातचीत करने के बाद ही आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस लगा, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता है, फिर मेरे को भी फूड टाइम देना पड़ता है एक स्टूडेंट का जाके। तो मैंने सिंपल सा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, QR कोड है उसको आप स्कैन करिए, उस पर आप पे कर दीजिए, फीस जो एंट्री फीस है आप उस पे कर देंगे, तो आपका आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, आपका फिर ट्रायल भी हो जाएगा, और ट्रायल होने के बाद आपका एडमिशन लिए। और बहुत 15 एडमिशन बचे भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, 15 एडमिशन। सो जो लकी स्टूडेंट है उनको ये एडमिशन मिलने वाले हैं, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, जिनका परफॉर्मेंस बेटर उनको ही वहाँ पे चांस मिलने वाला है। तो ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाला हूँ, वो ये मास्टर क्रिकेट एकेडमी बहुत सच में बहुत एक्सपीरियंस मैंने देखा, उनका प्ले भी देखा, जो पुराने स्टूडेंट थे वो भी देखे। तो आपको अगर सच में एडमिशन लेने की इच्छा है तो आप फटाक से जाके मेरे QR कोड स्कैन करिए, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन 500 का कीजिए, आपका नाम, कौन से सीट से हुई, एज कितना है, पीछे का बैकग्राउंड क्या, आपका पहले कुछ खेले तो उसका भी रिकॉर्ड आप उनको वहाँ पे भेज सकते हैं। तो वही वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, बाकी आप मेरा नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको ज्वाइनिंग के लिए। बाय बाय, धन्यवाद।